नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम दानापुर स्टेशन पर खड़े हैं। आपको पता है कि पटना के स्टेशन पर, दानापुर स्टेशन पर थोड़ी देर में प्रवासी मजदूर आने वाले हैं। 12:45 में ये ट्रेन आ जाएगी, जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। और उससे पहले देखिए किस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से फवारे बरसाई जा रही हैं। जितने आला अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और इन सभी की मौजूदगी में आप देख सकते हैं किस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें, ये तैयारियाँ ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से उन लोगों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप सामने भी देख सकते हो किस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। और उससे पहले इन तस्वीरों को लाइव स्ट्रीम तक पहुँचा रहा है पटना के जो जिलाधिकारी हैं कुमार रवि, पटना के SSP उपेंद्र शर्मा सहित तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, केंद्र सरकार ने जब से इजाज़त दी है उसके बाद से एक तरफ जहां सभी बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान आई है, वहीं दूसरी ओर देखिए खाने पीने के सामान, पानी की बोतलें हों, लस्सी की बोतलें हों, इन सभी की व्यवस्था की गई है। और अब सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। पटना के यशस्वी उपेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी देखरेख में सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। सर, आप जानना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर, क्योंकि लोग जाएंगे भी अपने जिलों में, तो कैसी तैयारियां हैं, रास्तों में क्या अलर्ट जारी किया गया है? आज लगभग 1200 के आसपास लोग आ रहे हैं, जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है और उसकी लिस्टिंग भी आई हुई है कि किस जिले के कितने लोग हैं। उस अनुसार उन जिलों से सूचना दे दी गई है, वहाँ से उतनी संख्या में बसें आ रही हैं। ये एक्सरसाइज पहले हम लोग कर चुके हैं, पहले भी 2 स्पेशल ट्रेन आई थी और कोरोना के लॉकडाउन के बाद ये पहली ट्रेन आ रही है और इसमें इंस्पेक्शन के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो प्रोटोकॉल हम लोग का तय है, उस स्कूल में हम लोग की तैयारी है। आज हम लोग 5 प्लेटफॉर्म पर उतारने के बाद उन लोगों को ले जाएंगे उस कोने में, वो जो रेलवे स्कूल यहाँ से उतार के अच्छे से ले जाना भी एक बड़ा टारगेट होगा, एक बड़ा टास्क होगा आप लोगों के लिए। वो हम लोग बसों में डालना ये एक बड़ा चुनौती, पहले ही से सेट तरीका है, हम लोग जो करते रहे हैं 2 बार कम लोग कर चुके हैं। जो स्कूल रेलवे स्कूल है जिसमें ये कार्रवाई होगी वहाँ पर ही बस उन लोगों को मिल जाएगी, उनको स्कूल से बाहर सीधे जब गेट से निकलेंगे तो बस वहीं भी खड़ी मिलेगी। उनको आवागमन बहुत हम लोग लिमिटेड कर दिए हैं, अंदर प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था ताकि उनसे और लोगों का घुलना मिलना नहीं हो पाए। जिन रूट से वो जाएंगे उन रूट पर क्या तैयारियाँ हैं, पूरी तरह की सील है वो? सभी जो बसें अन्य जिलों से आई हैं वो पुलिस स्क्वाड के साथ आई हैं, तो वो अपने वो जो गंतव्य जिले हैं उनकी जिम्मेवारी उनको अपने जगह तक ले जाना, वहाँ तक ले भी जाएंगे। लेकिन देखिए पूरी तरीके से पुलिस के सुरक्षा में जो SSP उपेंद्र शर्मा है उन्होंने बताया है कि जो बसें आई हैं वो स्कॉट के साथ आई हैं और स्कॉट के साथ ही जाएंगे। देखिए किस तरीके से जो आर्मी है वो भी उतार दी गई है, आर्मी के जो जवान हैं वो भी उतार दिए गए हैं और उन लोगों की देखरेख में खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी गई है। वहीं अगर हम प्रतीक्षालय की बात करें, वेटिंग रूम की बात करें, तो वेटिंग रूम को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है कि यदि आप यहाँ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर की तस्वीरें भी देख रहे होंगे किस तरीके से इस वक्त हम पटना के दानापुर स्टेशन पर खड़े हैं और वहाँ की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तैयारियाँ कैसी हैं, हर चीज़ों के इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, अच्छे जो वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की यहाँ पर मौजूदगी, एसेंशियल सामान, खाने पीने के सामान और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, इन सभी चीज़ों की देखरेख की जा रही है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।